तो पहुंच चुके हैं सिद्ध बकुल धाम। हरिबोल। तो बहुत ही पावन स्थान है ये। इसी स्थान पर शिला हरिदास ठाकुर, जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निजी पार्षद है, वो प्रतिदिन 300,000 नाम लिया करते थे। एवरी डे 192 राउंड्स। कौन है हरिदास ठाकुर? वह ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी देवता है, सृष्टि करता है, मगर भगवान बताते हैं कि बड़े बड़े लोगों से बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। वो सृष्टि करता है जिन्होंने हमें बनाया है, वो भी गलतियों से दूर नहीं है। भगवान बताते हैं कि जिसने भी जन्म लिया है उसके अंदर 4 डिफेक्ट्स हैं। क्या क्या डिफेक्ट्स हैं? यस अंजलि माता जी, 2 कमिट मिस्टेक्स, गलती करने की टेंडेंसी है हमारी, धोखा देने की टेंडेंसी है, भ्रमित हो जाते हैं और हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो ब्रह्मा जी भी अछूते हैं इससे। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्व अर्जुना, कि चीटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब लोग गलतियां करते हैं संसार में। तो ब्रह्मा जी ने भी गलती कर दी। क्या किए कि अपने वाहन से आ रहे थे तो रास्ते में देखा एक लोक है जिसका नाम है गोकुल। वहां पे एक छोटे से लाला है जिनको कृष्णा बोलते हैं लोग। और क्या कर रहे हैं लाला? एक दूसरे का जूठन खा रहे हैं। भगवान का एक दोस्त आता है, मित्र आता है, ग्वाल वाल आता है और लड्डू खाता है, रसगुल्ला खाता है और बोलता, कृष्णा ये रसगुल्ला बड़ा मीठा है, इसको खा के देखो। तो कृष्णा खा ले तो बोले, मेरा दोस्त खिला रहा है, उसने प्रूव कर दिया है, हैंस प्रूव्ड, ये रसगुल्ला बड़ा मीठा है, तो भगवान खा लेते उसको। ब्रह्मा जी देख के उनको हक्के बक्के रह जाते, बोले इनको भगवान बोलते हैं? ये भगवान है ना जिनके पूरे कपड़ों पे ये माटी लगी हुई है, गाय का गोबर लगा हुआ है, मूत्र लगा हुआ है ना, चेहरे पे सारे धूल मिट्टी लगी हुई है और ये एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं, ये भगवान है? अरे भगवान तो वो होते हैं जो आसन पे बैठते हैं, सिंहासन पे बैठते हैं, ऑल्टर में बैठते हैं, जिनके आगे पर्दा लगा होता है ना, उस पर्दे को आप बस 3 बार खोलते हैं, बंद करते हैं, अंदर भोग लगाते हैं, घंटी बजाते हैं और फिर 15 मिनट बाद निकाल लेते हैं, वो होते हैं ठाकुर जी। उनकी मर्यादा है, उनको ऐसे भोग लगाया जाता है, ये कैसे खिला रहे हैं? तो ये भगवान नहीं है, ये भगवान की ड्रेस में कोई और छलिया है। तो ब्रह्मा जी चकित हो गए। फिर क्या किया ब्रह्मा जी? बोलते हैं मैं देखता हूँ, टेस्ट करता हूँ कि भगवान है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, वहाँ के जो ग्वाल बाल हैं उनको चुरा लिया, वहाँ की गायों को चुरा लिया। तो इतना लेके गए, भगवान ने पूरा रिप्लेस कर दिया। अब ब्रह्मा जी की हालत खराब है, इतनी मुश्किल से मैंने चोरी करी, वहां पे पता लगा चोरी कुछ हुई नहीं। वो ब्रह्मा जी जो नीचे से लेके ऊपर तक बुद्धि के बने हैं, हम लोग किसके बने हैं? 5 तत्वों के बने हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, अर्थ वाटर फायर एंड ईथर, मगर ब्रह्मा जी किसके बने हैं? बुद्धि के बने, इंटेलिजेंस के, पूरा शरीर उनका उससे बना है। वो ब्रह्मा जी भगवान को नहीं समझ पाए, भ्रमित हो गए। फिर भगवान ने क्या कि ब्रह्म विमोहन लीला करी। अब ब्रह्मा जी को पता लग गया कि भैया ये बड़ी ऊंची चीज है और मैंने गलती कर दी, अपराध कर दी है। तो वही ब्रह्मा जी आते हैं कलयुग में दोबारा से अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए, किसके रूप में? हरिदास ठाकुर की। तो हरिदास ठाकुर इज नन अदर देन ब्रह्मा जी। अब उन्होंने पश्चाताप के लिए सोचा कि कैसे करूंगा पश्चाताप। जैसे हम लोग कुछ गलती करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, गलती करने के बाद लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। मैं गंदा आदमी हूँ, मैं कुछ कर तो पाता नहीं हूँ, तो साइड में हो जाता है, मैं एक दरकिनार हो जाता है, किनारे हो जाते हैं। तो ये पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप मतलब कि आपने जो गलती करी है उसके लिए कुछ अच्छा करना, नेगेटिव को पॉजिटिव से फिल करना। तो ये ब्रह्मा जी जानते हैं कि मेरे से गलती होगी, मेरे से अपराध हो गया, मैं इसको पश्चाताप करूंगा। क्या पश्चाताप करूंगा? मैं आऊंगा जगन्नाथपुरी में, आऊंगा और सिद्ध बकुल स्थान पे बैठ जाऊंगा और हर रोज 192 माला करूंगा। तो ये पश्चाताप है ब्रह्मा जी का, क्यों? छोटा सा अपराध कर दिया ना। अब बड़े बड़े देवता होते लोग, देवता लोग ऐसे अपराध करते रहते हैं, मगर इतना बड़ा पश्चाताप धारण कर लिया कि प्रतिदिन 192 माला करूंगा। तो जब आए इस संसार में कलयुग में, तो एक मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ हरिदास ठाकुर का। मगर मुस्लिम परिवार में होने के बावजूद उनके हरि नाम के प्रति इतनी रुचि थी, फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये संज्ञा दे दी, उपाधि दे दी कि आप क्या हैं? नाम आचार्य हरिदास ठाकुर। आप नाम के आचार्य हैं, पूरे जनता को सिखाएंगे कि नाम कैसे लेना चाहिए, हरि नाम कैसे लेना चाहिए। इतनी रुचि थी उनकी
हरि नाम है। अब जगन्नाथपुरी में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ आए हैं, मगर इनका तो जन्म एक बड़े ही नीचे खानदान में हुआ है, मुस्लिम परिवार में हुआ है, और मुस्लिम लोगों को एंट्री नहीं है जगन्नाथ मंदिर में। तो हरिदास ठाकुर कभी भी एंटर नहीं किए जगन्नाथ मंदिर में। सोचिए, नाम आचार्य हैं, क्या उपाधि है उनकी। एक बार बोलते महाप्रभु को, महाप्रभु मेरे को जगन्नाथ जी के दर्शन करा दो ना। महाप्रभु सारे लोगों को, वहाँ गार्ड्स को बोलते, पंडों को बोलते, देखो मेरा बहुत ही निजी भक्त है, इसको अंदर जाने दो। मगर कभी भी उस पोजीशन का उपयोग नहीं किया हरिदास ठाकुर ने, तो कभी भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं गए। महाप्रभु ने उनको ये स्थान दे दिया, काशी मिश्र के घर के पीछे ये स्थान है, आप यहीं पे रहिए। तो ठीक है, आप जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाएंगे, मगर मैं चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं जगन्नाथ है, मैं खुद आऊंगा आपके घर आपको दर्शन देने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु इस स्थान पे प्रतिदिन आते थे, किसको, अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। तो यहाँ पे जगन्नाथ जी को भी दर्शन होता था हरिदास ठाकुर को, यहाँ से जो सुदर्शन चक्र है, नील चक्र, उसका दर्शन होता है, तो उनका दर्शन कर लिया तो जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया। और फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते थे अपना दर्शन देने के लिए हरिदास ठाकुर को। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु आए यहाँ पर, तो जगन्नाथ मंदिर से आए थे सुबह सुबह के समय है, तो जगन्नाथ जी को वहाँ पे दातुन कराया जाता सुबह, है ना, भगवान है ना, जीवंत भगवान है वो, तो मानुषी लीला करते हैं। जगन्नाथ जी बड़े कृपालु हैं, जगन्नाथ जी बोलते हैं देखो मेरे को इन लोगों के साथ संबंध बनाना है, तो इनके जैसा बनना पड़ेगा मुझे, चोर चोर मुसेरे भाई, बोले इनके जैसा मान लूंगा तो अपना मान लेंगे मेरे को। तो क्या करते हैं जगन्नाथ जी, जैसी हम लीलाएं करते हैं ना वैसी लीलाएं करते हैं जगन्नाथ जी। जैसे हम लोग बीमार होते हैं तो जगन्नाथ जी बोलते ठीक है मैं भी बीमार हो जाऊंगा ना, 15 दिन इतनी छीके मारूंगा, इससे बुखार हो जाएगा, दवाइयां खाऊंगा ना, काढ़े पीऊंगा, मैं किसी को अपना दर्शन नहीं दूंगा। तो 15 दिन का ऐसा समय होता है अनवसर, उसको बोला जाता है, जगन्नाथ जी किसी को दर्शन नहीं देते, बीमार हो जाते। फिर जैसे हमारी मृत्यु होती है, हम शरीर छोड़ते हैं, नया शरीर लेते हैं, तो जगन्नाथ जी भी क्या करते हैं, अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो नव कलेवर का समय आता है जब जगन्नाथ जी एक नए रूप में चले जाते हैं ना, एक नया कास्ट का विग्रह बनाया जाता है दारू ब्रह्म का, और उसमें जगन्नाथ जी का जो उनका प्राण है वो स्थानांतरित किया जाता है। तो जगन्नाथ जी सेम जैसे आप है वैसे मैं हूँ, जैसे वैसे आप है, तो एक जैसे बन जाते हैं। तो ऐसे ही जगन्नाथ जी को दातुन कराया जाता है सुबह ना, उनको उठाया जाता है, फिर उनको दातुन कराते हैं। उनके पंडित बताते हैं कि उनको टंग क्लीन भी कराते हैं, जैसे बिहारी लोग करते हैं ना, ज़्यादा टंग क्लीनर यूज़ करते हैं काफ़ी, तो जगन्नाथ जी को भी वो टंग क्लीन कराते हैं उनकी, खा लेते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो उसको साफ करना पड़ता है। और फिर वो दातुन प्रसाद मिलता है भक्तों को, तो महाप्रभु को दातुन मिला। तो यहाँ जब आए तो दातुन लेके आए साथ, और क्या किया, उस दातुन को गाड़ दिया जमीन में, क्यों, क्योंकि देखा कि मेरा जो भक्त है वो हरि नाम करता रहता है, इतनी रुचि है उसकी हरि नाम में, मगर ऊपर से इतनी धूप आती है, उसके पास कोई झोपड़ी नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। तो महाप्रभु ने उस दातुन को गाड़ा और तुरंत ही उसमें से एक वृक्ष निकल आया, और जो वृक्ष है उसका नाम है सिद्ध बकुल, एक बकुल का वृक्ष निकल आया। तो ये जो वृक्ष आपके सामने है, ये वही वृक्ष है जो चैतन्य महाप्रभु ने गाड़ा था, और उसमें वृक्ष निकला है, तो ये सिद्ध है। क्योंकि सिद्ध क्यों है, क्योंकि इसने स्वयं सारी लीला देखी है चैतन्य महाप्रभु की हरिदास ठाकुर के साथ, और इसने भी हरि नाम लिया है कितनी बार, 192 माला हर रोज, जो महा हरिदास ठाकुर बोलते थे वो सुनते थे। तो ये सिद्ध है, सिद्ध मतलब कि आप जो कामना करेंगे पूर्ण करेंगे। भगवान अपने भक्तों में इतनी शक्ति दे देते हैं, वो चिंतामणि के समान हो जाते हैं। तो एक बार की बात है, यहां पर जो राजा था उसके समय में नव कलेवर होने वाला था, तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि लकड़ी चाहिए जगन्नाथ जी का विग्रह बनाने के लिए। तो सैनिक ढूंढते ढूंढते यहां पे आ गए कि देखो ये बकुल का वृक्ष है और जगन्नाथ जी का विग्रह बनाने के लिए बड़ा ही सूटेबल है। तो सैनिक जब आए तो यहाँ पे आसपास के वहाँ पे एक जगन्नाथ गोस्वामी हुआ करते थे, उन्होंने बताया उनको कि अरे ये चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं स्थापित किया है वृक्ष, ये बड़े दिव्य है, इसको काट नहीं सकते आप। वो माने नहीं, बोले नहीं हम आएंगे। तो अगले दिन बिल्कुल तैयारी करके आए हुए थे कि हम इसको काट के जाएंगे। और फिर रातों रात क्या हुआ कि वृक्ष अंदर से होल हो गया, बिल्कुल अंदर से होलो हो गया, और जो होलो वृक्ष है वो उसमें जगन्नाथ जी का विग्रह कायम नहीं हो सकता है। तो
तो स्वयं ठाकुर जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने इस वृक्ष की रक्षा करी। तो अभी भी वृक्ष होलो है, अंदर से होलो है मगर इसकी पत्तियां पूरी ग्रीन है, अब उतना जीवंत है। तो ये बड़े अद्भुत वृक्ष है जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा हेतु प्राप्त हुआ था हरिदास ठाकुर को। तो हरिदास ठाकुर बहुत ही निजी भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के, बहुत प्रेम करते थे उनसे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं यहाँ पर आते थे उनको दर्शन देने के लिए। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है हरिदास ठाकुर का, महाभागवत हरिदास परम विद्वान ए सौभाग्य लागी आगे करीला प्रयाण। तो इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ हरिदास ठाकुर को कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन देने आते थे। तो एक बार की बात है, अद्वैताचार्य वो आते हैं हरिदास ठाकुर के पास, उस समय श्राद्ध का समय था और अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर को बोलते हैं कि आप क्या करिए, आप वैष्णव हैं, आप मेरे प्रसाद का सेवन करिए, मेरे श्राद्ध का सेवन करिए। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं, अरे मैं तो बड़ा ही दीनहीन हूँ, मेरे मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ है, नहीं सब ब्राह्मण लोग क्या बोलेंगे कि एक मुसलमान से तुम श्राद्ध का पालन करा रहे हो। तो फिर अद्वैताचार्य बताते हैं, अद्वैताचार्य बोलते हैं कि हाँ ब्राह्मण होते हैं लोग, बड़े ही विद्वान होते हैं ब्राह्मण, पूजनीय होते हैं, मगर हजारों ब्राह्मण बना एक साथ मिलकर भी एक वैष्णव नहीं बना सकते। आप वो ऐसे परम सिद्ध वैष्णव हैं, आप हरि, आप नामाचार्य हैं, अगर आपने भोजन स्वीकार कर लिया श्राद्ध का तो लाखों लाखों ब्राह्मणों ने स्वीकार कर लिया, तो मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, हरिदास ठाकुर आप इस भोजन को स्वीकार करिए। तो अद्वैताचार्य ने सिखाया कि अगर श्राद्ध भी अभी हमें रखना है तो किसको बुलाना चाहिए, वैष्णवों को उसको ऑफर करना चाहिए। तो हमारे पुराने जो रीति रिवाज है ब्राह्मणों को हमें कुछ लेना देना नहीं है उनसे, ब्राह्मण तो क्या केवल रिचुअल करते हैं, मगर वैष्णव क्या करेंगे, अपनी कृपा देंगे, वो जो जीवात्मा है जो चली गई है अभी किसी और लोक में है जिसके लिए आप श्राद्ध रख रहे हैं उसको कृपा देंगे, उसको भक्ति देंगे, वो वैष्णव उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं हरिदास ठाकुर के पास, तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, प्रभु कहे कौन व्याधि कहाँ ते निर्माय तेनो कने सांख्य कीर्तन ना पुराय। सॉरी, इससे पहले क्या करते हैं, नमस्कार करी तेनो कैल निवेदन शरीर स्वस्थ होए मोर अस्वस्थ बुद्धिमन। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं और आके पूछते हैं कि कैसे हैं हरिदास ठाकुर आप। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं, मेरा शरीर तो बड़ा स्वस्थ है, आई एम ओके फ्रॉम माई बॉडीली कंडीशन, फिजिकल कंडीशन मेरी बड़ी अच्छी है, जबकि हरिदास ठाकुर बड़े बूढ़े हो चुके हैं, मगर बोले मेरा शरीर बड़ा स्वस्थ है, प्रॉब्लम क्या है, मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, अस्वस्थ बुद्धि मन, मेरा मन और मेरा बुद्धि मेरे काबू में नहीं है। कितनी मतलब सरलता से बता दिया हरिदास ठाकुर ने जो अपनी असली स्थिति है। हरिदास ठाकुर के तो वो गोस्वामी है, उनका मन भी काबू में है, उनकी इंद्रियां भी काबू में है, मगर अपनी विनम्रता पकड़ करते हुए चैतन्य महाप्रभु के सामने बोलते हैं, अस्वस्थ बुद्धिमन। प्रभु कहे कौन व्याधि कहाँ ते अनिमय तेनो कहे सांख्य कीर्तन ना पुराय। तो महाप्रभु पूछते क्या व्याधि है, क्या बीमारी है आपको। हरिदास ठाकुर बोलते हैं, महाप्रभु मेरी बीमारी क्या है, ये जो नाम है जो जिसकी संख्या मैंने ली हुई है वो संख्या पूरी नहीं होती है, यही मेरी बीमारी है। हरिदास ठाकुर को आवश्यकता नहीं है हरि नाम करने की, वो सिद्ध है, मगर फिर भी क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया है कि इतने नाम इतनी संख्या का मैं जप करूंगा, 3 लाख नाम प्रतिदिन लूंगा, तो उस संकल्प को के ऊपर पूरे दृढ़ हैं। कितने ऐसे भक्त हैं जो बिना 16 माला किए प्रसाद नहीं लेते हैं, और उन लोगों को कई बार माला करने में 15 मिनट लगता है, 1 माला करने में 15 मिनट लग जाता है, और ऐसी 16 माला करते हैं उसके बाद जाके जब माला होगी तो प्रसाद लेंगे। हमारे लिए तो 16 माला करने ऐसा लगता है कितना बड़े पहाड़ है, वो तो संग्राम होता है, युद्ध होता है, उस समय पूरे दिन लटकती रहती है माला, छुट भी जाते हैं, फिर अगले दिन कर लेंगे। मगर यहाँ हरिदास ठाकुर बता रहे हैं कि इतने फिक्स्ड हैं,
भगवान तो बड़े फ्लेक्सिबल है। आगे क्या बोलते हैं भगवान उनको, प्रभु कहे वृद्ध हैला संख्या अल्प कर, सिद्ध दे तुम्ही साधने आग्रह के न कर। महाप्रभु बोलते हैं आप तो सिद्ध हैं, अपनी संख्या कम कर लीजिए, आप वृद्ध हो चले। मगर वो हरिदास ठाकुर हो तो दृढ़ संकल्प है। सोचिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि माला कम कर लो। हम सोचे हमें क्यों नहीं बोला भगवान ने, भगवान कहाँ आया, आगे एक बार बोल दीजिए, हम तैयार बैठे हैं माला कम करने को। हम तो पूछेंगे कितनी कम करनी है, दो से कम चल जाएगा। मगर यहाँ स्वयं भगवान आके बोल रहे हैं कि अपनी संख्या कम कर लो, मगर हरिदास ठाकुर बोले नहीं। क्या बोलते हैं हरिदास ठाकुर, हीन जाति जन्म मोर निंदय कलेवर, हीन कर्म रत मुई अधम पामर। मैं इतना दीनहीन हूं, इतना गया गुजरा हूं, हरि नाम ही मेरा एकमात्र सहारा है, वही मेरा उद्धार करेगा, कैसे छोड़ सकता हूं मैं। ये तो रस्सी है उस कुएं से बाहर निकलने की, अगर इसको छोड़ दिया तो मेरी और क्या आशा है, तो हरि नाम त्याग नहीं सकता मैं। तो फिर अब क्या करते हैं हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि मेरी तीन इच्छाएं हैं, आप बस उनको पूरा कर दीजिए। पहली इच्छा व्यक्त करते हैं हरिदास ठाकुर कि महाप्रभु मैं आपकी जाने की लीला देख नहीं सकता हूं, आप जब इस धराधाम को छोड़कर जाएंगे अपने धाम तो वो लीला मैं देख नहीं पाऊंगा, वो विरह मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, तो ये मेरी पहली इच्छा है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके जाने से पहले मैं चला जाऊं। फिर दूसरी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो पहली इच्छा यही है, सेला प्रभु मोर कभू ना देखाइबे, आपनार आगे मोर शरीर पाड़ीबे। ये मैं कभी नहीं देखना चाहता हूं कि मेरी आंखों के आगे आप मुझसे दूर हो जाएं। फिर दूसरी इच्छा प्रकट करते हैं, हृदय धारी मु तुमार कमल चरण, नयन देखी मु तुमार चांद वदन। कि आपके चरण कमल मैं हृदय में धारण करूं और अपनी आंखों से क्या करूं, आपका ये जो चंद्रमुख है उसको देखता रहूं। वो कौन है, साक्षात गौर चंद्र है। पहले आए थे श्री रामचंद्र, फिर आए कृष्ण चंद्र, और अब आए हैं गौर चंद्र। कि आपका ये जो सुंदर चंद्रमुखी चेहरा है इसका दर्शन करता रहूं और आपके चरण कमल मेरी छाती पे हूं। तो ये मेरी दूसरी इच्छा है। और तीसरी इच्छा क्या है, जीवाए उछारी मु तुमार कृष्ण चैतन्य नाम, एई मत मोर इच्छा छाड़ी मु पराण। और फिर आपके चरण कमल मेरे छाती पे हो, आपका मुखमंडल का मैं अपनी आंखों से दर्शन कर रहा हूं, और जोर जोर से कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य, और कृष्ण चैतन्य का नाम लेते लेते मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। तो ये इच्छा व्यक्त करते हैं हरिदास ठाकुर कि इस प्रकार मेरा परायण हो इस लोक से, इस शरीर से, कि मेरे सामने आप हो, आपका दर्शन कर रहा हूं, आपके चरण कमल मेरे हृदय पे हो रहा हूं, और मेरे मुख पे आपका ये पावन नाम इसका मैं उच्चारण कर रहा हूं। तो जैसे ही महाप्रभु सुनते हैं क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हो हरिदास, तुम्हारे बिना मेरी लीलाएं कैसे होंगी, मैं सोच भी नहीं सकता। तब हरिदास ठाकुर बोलते हैं, महाप्रभु क्यों मजाक कर रहे हैं आप, मैं कौन हूं, आपके मेरे जैसे लाखों लाखों सेवक हैं, और वो सब सेवक मेरे सिर पे पैर रखने योग्य है, और मेरे सिर पे पैर रख के वो आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर है। मतलब महाप्रभु हरिदास ठाकुर बता रहे हैं ये मेरी तुच्छ स्थिति है। अरे नाली के कीड़े को कोई पूछता है क्या, कितने कीड़े जमते हैं, जन्म लेते हैं, चले जाते हैं प्राण त्याग के, तो वैसे एक छोटा सा मैं एक कीड़ा हूं, मेरे होने ना होने से कुछ बहुत प्रभावित नहीं होगा। और फिर हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि मैं तो क्या हूं, हाँ लोग मुझे बोलते हैं कि आप नामाचार्य दास ठाकुर हैं, मगर मैं तो इमिटेशन डिवोटी हूँ, मैं तो दिखावा करता हूँ, हरि नाम में मेरी कोई रुचि नहीं है। तो ऐसे ही बड़ी दीनहीन होकर हरिदास ठाकुर अपनी अपने हृदय की स्थिति को व्यतीत कर रहे हैं यहाँ पर। तो हरिदास ठाकुर
बोलते हैं महाप्रभु कि आप ऐसा भ्रमित मत कीजिए, मुझे ये मेरी स्थिति है। तो महाप्रभु बोलते हैं ठीक है। महाप्रभु को लगा कि आप स्थिति संभल ले रही है, मैं कल आऊँगा, है ना। ऐसी बहुत ही हृदय को छूने वाली बातें कर रहे हैं हरिदास ठाकुर, बड़ा हृदय द्रवित हो चुका है महाप्रभु का। महाप्रभु संभाल नहीं पा रहे हैं, महाप्रभु चले जाते हैं, कल मिलेंगे। तो कल दोबारा से आते हैं महाप्रभु, और महाप्रभु बोलते हैं प्रभु कहे हरिदास कहा समाचार, हरिदास कहे प्रभु ये कृपा तुम्हार, हाउ आर यू हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं आई एम ऑल गुड बाय योर मर्सी, जय कृपा तुम्हार, जैसे आपकी कृपा है मैं वैसा ही हूँ। आप कृपा ज़्यादा देंगे तो मैं अच्छा रह पाऊँगा, आप कृपा हटा लेंगे तो मैं दुखी हो जाऊँगा, जय कृपा तुम्हार। तो उसके बाद महाप्रभु वहाँ जोर जोर से नृत्य करने लग जाते हैं, हरि नाम का एक पूरी टोली आ जाती है और जोर से हरि नाम कर रही है, और महाप्रभु उसके बीच में नृत्य कर रहे हैं। और फिर क्या करते हैं, महाप्रभु हरिदास ठाकुर की महिमा का गुणगान करने लग जाते हैं। हरिदासेर गुण कहिते प्रभु होइला पंचमुख, कहिते कहिते प्रभु बड़ा महासुख। तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, वो महाप्रभु अपने भक्त का गुणगान कर रहे हैं, और कहते कहते क्या कर रहे हैं, उनका एक मुख कम पड़ रहा है तो हुई तब पंचमुख, ऐसा लग रहा है कि महाप्रभु के पांच मुख हो गए, हरिदास ठाकुर की इतनी महिमा है। जैसे शिवजी बोलते हैं ना कि मेरा एक मुख काफी नहीं है तो मुझे बहुत सारे मुख चाहिए, तो शिव ब्रह्मा जी के कितने मुख है और शिव जी के कितने, ब्रह्मा बोले चतुर्मुख है, कृष्णा कृष्णा हरे हरे महादेव पंचमुखे, राम राम हरे हरे। रूप गोस्वामी बोलते हैं टुंडे तान वितिन्नतिम वितनुते टुंडावली लब्धे, अरे ब्रह्मा जी क्या किया आपने, एक मुंह दिया दो कान दिए, इससे कैसे मैं इतने सुंदर मीठे हरि नाम को स्वीकार कर पाऊंगा, तो आप क्या कीजिए मुझे लाखों लाखों मुंह दे दीजिए, ताकि उन लाखों लाखों मुंह से मैं ये सुंदर हरि नाम करूं, और मुझे करोड़ों करोड़ों कान दे दीजिए ताकि उन करोड़ों करोड़ों कानों से इस हरि नाम का मैं श्रवण कर पाऊं। तो यहाँ महाप्रभु क्या हो जाते हैं, पंचमुख है, और उस पंचमुख से हरिदास ठाकुर की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। हरिदासे गुण कहिते प्रभु होइला पंचमुख, कहिते कहिते प्रभु बड़ा महासुख। और क्या, और उनको बड़ी सुख की प्राप्ति हो रही है, ग्लोरिफिकेशन में बड़ा आनंद है ना, दूसरों का गुणगान करने का। गुणगान सुनने में बहुत मजा आता है ना, मगर वो क्या है, वो मोहित करने वाला है, वो इल्यूजरी है ना। कोई हमारा गुणगान करता है बड़ा अच्छा लगता है ना, अंदर बड़े लड्डू फूटते, ऊपर बोलते नहीं 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 मत करिए, अंदर बोले करते रहो भैया इतनी जल्दी बंद क्यों कर दिया, चलने दो, बहुत आनंद मिलता है। मगर उससे भी ज्यादा परम आनंद क्या है, जब किसी का गुणगान किया जाता है। तो जब किसी का गुणगान करते हैं तो उसके अंदर जो गुण है वो हमारे अंदर आने लग जाते हैं। वैष्णव क्या है, वो एक मिरर के समान है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे उनके ऊपर कुछ फेंका वो वापस फेंक देते हैं, वो बॉल होते ना, वो बॉल आप दीवार में फेंकी तो वापस आ जाएगी। तो ऐसे वैष्णव के बारे में आपको कुछ गुणगान किया तो सारे गुण क्या हो जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे उनके सारे गुण। जैसे महाप्रभु इस परम वैष्णव हरिदास ठाकुर का गुणगान कर रहे हैं, तो आगे अब महाप्रभु क्या करते हैं, अपने चरण कमल हरिदास ठाकुर की छाती पे रखते हैं। बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों में एक चिन्ह है, मछली का चिन्ह है। मछली कहाँ पे रहती है, पानी में रहती है, जल में रहती है, और पानी क्या है, उसका उसका जो भाव है, धर्म है, वो है तरलता, लिक्विडिटी। दैट मीन्स महाप्रभु के चरण कहाँ रहेंगे, जिसका हृदय बड़ा ही द्रवित होगा, बड़ा सॉफ्ट होगा, बड़ा लिक्विड होगा। जो बड़ी कठोर हृदय के हैं वहाँ उनको महाप्रभु की कृपा नहीं मिल पाती है, जो बड़े सॉफ्ट हृदय के रहते हैं महाप्रभु उनको स्वीकार कर लेते हैं। तो वही हरिदास ठाकुर जिनका हृदय बड़ी कोमल है, महाप्रभु अपने चरण कमल उनके हृदय पे रखते हैं। स्वहृदय यानी धरिला प्रभुर चरण, सर्वभक्त पद रेणु मस्तक भूषण, श्री कृष्ण चैतन्य शब्द बलेन बार बार, प्रभु मुख माधुरी पिए नेत्र जलधार। तो क्या किया, हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया, उनके चरणों की धूली अपने मस्तक पे लगा ली, और अब क्या कर रहे हैं, ओ चैतन्य महाप्रभु का नाम ले रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य,
सामने साक्षात चैतन्य महाप्रभु है, उनके जो रूप माधुरी है उसका आस्वादन कर रहे हैं अपने नेत्रों से, और फिर उन नेत्रों में क्या होता है, अश्रुधारा बहने लग जाती है, क्रंदन कर रहे हैं हरिदास ठाकुर महाप्रभु के सुख सुंदर मुखमंडल का दर्शन करते हुए। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द करीते उच्चारण ना मेरे सहित प्राण कैला उक्रमण। और इस प्रकार कृष्ण चैतन्य नाम लेते लेते चैतन्य महाप्रभु का सुख सुंदर मुखमंडल का दर्शन करते करते हरिदास ठाकुर अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो देखिए क्या परफेक्शन है लाइफ की, जो आपका गोल ऑफ लाइफ है वो आपके सामने खड़ा है। ऐसा नहीं कि बाद में जाके कहीं गोलोक धाम जाएंगे, वही साक्षात चैतन्य महाप्रभु आपके समक्ष है, आपको अपना दर्शन दे रहे हैं आपके अंत समय में। तो जब ये देखा भक्तों ने तो सब जोर जोर से चैतन्य महाप्रभु का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, और सबको याद आ गई वो भीष्मदेव की। भीष्मदेव भी ऐसी प्राण त्यागे थे ना, इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको, मगर उस इच्छा मृत्यु का वरदान कहाँ प्रयोग किया, बोले हाँ प्राण त्यागूंगा, कौन होने चाहिए मेरे सामने, साक्षात कृष्ण होने चाहिए, जब वो मेरे समक्ष होंगे तब मेरे प्राण से मेरे शरीर से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, आपका दर्शन सामने हो नहीं मेरी इच्छा है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंत कलेवरम। तो इस प्रकार जिस भाव में हम शरीर त्यागते हैं वो भाव मिल जाता है, और अगर अंत काल में कृष्ण का स्मरण हो गया तो निश्चित है कि हम कृष्ण लोक जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार परफेक्शन सिद्धि प्राप्त हो गई चैतन्य हरिदास ठाकुर को, महाप्रभु उनको कृतार्थ करते हैं, और फिर सब भक्त लोग जोर जोर से हरि 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 का उच्चारण कर रहे हैं। और फिर महाप्रभु क्या करते हैं, हरिदास ठाकुर के शरीर को उठा लेते हैं और चले जाते हैं समुद्र के पास, और फिर उस समुद्र में उस शरीर का स्नान कराते हैं। और फिर महाप्रभु बोलते हैं कि ये जो अब समुद्र है ये तीर्थ बन चुका है, कि जो भी इसमें अब स्नान करेगा उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, कि उसके हरिदास ठाकुर के चरणों की धूली प्राप्त हो गई है, अब इससे इसका नाम है महादधि। और फिर चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को लेके आते हैं उनके शरीर को, और वहाँ पास में एक जगह है उसमें समाधि बनाते हैं, तो उसको वहाँ होल करते हैं, पूरा डिग करते हैं, और फिर हरिदास ठाकुर की वहाँ पे समाधि बनाते हैं, और सब भक्त लोग जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर को विदा कर रहे हैं हरि नाम के साथ। अब महाप्रभु क्या करते हैं, महाप्रभु आयोजन करते हैं फीस्ट का, और फिर पूरे जगन्नाथपुरी में जाते हैं, जितने भी शॉप्स हैं वहाँ पे जाते हैं और चंदा मांगते हैं, देखो महान भक्त हरिदास ठाकुर का पारायण हुआ है और उनके लिए हम एक प्रसाद का आयोजन कर रहे हैं जिसमें सब वैष्णवगण आएंगे, पूरे जगन्नाथपुरी के भक्त आएंगे, तो सबसे चंदा मांगते हैं, और फिर चंदे को एकत्रित करके चैतन्य महाप्रभु एक बहुत ही सुंदर भोग का वैष्णव भोग का आयोजन करते हैं। तो इस प्रकार ये लीला है हरिदास ठाकुर के पारायण की। फिर महाप्रभु अनाउंसमेंट करते हैं, हरिदासेर विजय उत्सव ये कैला दर्शन ये हा नित्य कैला ये कैला कीर्तन ये तान वालू कदीते करील गमन तार मध्य महोत्सव ये कैला भोजन ए चीर है बेता सबार कृष्ण प्राप्ति हरिदास दर्शन होए ऐछे शक्ति। तो महाप्रभु बोलते हैं कि जो भी हरिदास ठाकुर के इस विजय उत्सव का दर्शन करेगा उसको क्या होगा, उसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। तो केवल दर्शन वो नहीं था कि जो उन लोगों ने किया, महाप्रभु बताते हैं कि जो इस कथा का श्रवण भी करता है वो भी क्या कर रहा है, उस लीला का दर्शन कर रहा है। हरिदास आचीला पृथ्वी रेर शिरोमणि तहा विना रत्न शून्य होइला मेदिनी। तो फिर महाप्रभु बोलते हैं नाउ दिस यूनिवर्स इज बिरेफ्ट ऑफ दिस ज्वेल, ये जो रत्न था हरिदास ठाकुर का अब ये चला गया, तब ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये सूखा सूखा हो गया, ये रत्न से विहीन हो गया। सभी गाए जय 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 हरिदास, सभी गाए जय 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 ना मेरे महिमा ये न करीला प्रकाश,
सभी गाए जय 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 हरिदास, नामेर महिमा जय तेन करिला प्रकाश। तो सब भक्त लोग जोर जोर से बोले जय हरिदास, जय हरिदास, जय हरिदास। हरिदास ठाकुर की जय जयकार कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने ही नाम की महिमा को उजागर किया है कि कैसे क्या रुचि होनी चाहिए, क्या भाव होना चाहिए हरि नाम के प्रति। ये चैतन्य हरिदास ठाकुर ने हम सबको सिखाया है। फिर अंत में कविराज गोस्वामी बताते हैं, एते कहिलु हरिदासे रवि जय, जहां श्रवण कृष्ण दृढ़ भक्ति होए। कि जो भी इस हरिदास ठाकुर के विजय उत्सव का श्रवण करेगा ध्यान पूर्वक, तो क्या होगा, वो भक्ति में दृढ़ हो जाएगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की। तो प्रतिदिन 192 माला करते थे हरिदास ठाकुर, पता नहीं कितने लंबे समय तक इसी स्थान पे बैठ के उन्होंने जप किया है। तो सोचिए क्या वाइब्रेशंस हैं इस स्थान की, और सोचिए हमारा कितना सौभाग्य है कि जगन्नाथ जी की कृपा से, हरिदास ठाकुर की कृपा से हम इस स्थान पे आने के लिए योग्य हुए हैं और यहाँ पर इन सुंदर लीलाओं का हम श्रवण कर पा रहे हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण लीला हुई थी जब हरिदास ठाकुर यहाँ पे हरि नाम करते थे, तो उनकी ख्याति हर जगह फैलती थी। भक्तों ठाकुर बताते हैं कि एक भक्त बस एक जगह बैठ के हरि नाम कर ले ना, उसका यश पूरे ब्रह्मांड में फैलने लग जाएगा। तो हरिदास ठाकुर यहाँ बस जप करते थे तो हर जगह बात फैल गई, अरे सिद्ध हरिदास ठाकुर वहाँ जप करते हैं, बहुत बड़े संत हैं वो। तो मुस्लिमों का राज्य था, तो वहाँ पे एक मुस्लिम राजा था रामचंद्र खान, तो उसको बहुत ईर्ष्या होने लगी कि ये मुसलमान हमारे ही मुसलमान है और हिंदू धर्म का यहाँ पे प्रचार कर रहा है और हिंदुओं की संख्या बढ़ा रहा है, तो क्या किया, इसको गिराना पड़ेगा। तो कैसे गिराएंगे, संतों को कैसे गिराया जाता है, बोले भेजो ये चमक चलो भेजो ना। तो एक वैश्य को भेजते हैं, लक्षा हीरा उसका नाम है, ऐसा लगता है कि साक्षात वो स्वर्ग से आई है, बहुत सुंदर उसके नयन नक्श है। तो यहाँ पे मोहित करने के लिए हरिदास ठाकुर के इस स्थान पर आती है, उनके भजन कुटीर पे आती है। हरिदास ठाकुर तो उसमें निमग्न है, फुली अब्सॉर्ब्ड है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लक्षा हीरा वेट कर रही है, बोले अभी लग रहा है थोड़ा अपना जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं बाबा जी, तो जब थोड़ा इनका ध्यान भंग होगा तो इनको मैं मोहित करूँगा। तो सुबह से लेकर दोपहर होगी, दोपहर से लेकर शाम होगी, शाम से लेकर रात होगी, हरिदास ठाकुर तो लगे हुए हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसा लग रहा है बाबा जी ने कुछ संकल्प लिया है, आज पूरे दिन बाबा जी यहाँ पे जप करे होंगे, कोई नहीं ना रात को देखेंगे सुबह देखेंगे। तो रात को सो गई, और इस दौरान क्या हुआ कि शाम को उसने देखा कि पास में तुलसी का पौधा है, उसको लगा कि मुरझा रहा है, बाबा जी तो यहाँ जप कर रहे हैं, चलो मैं तुलसी में थोड़ा जप कर जल दे देती हूँ, तो जल दे दिया। तो क्या हुआ, उससे जल से कृपा मिल गई उसको। फिर अगले दिन फिर सुबह उठती, अरे मैं तो कुछ अपने मिशन से आई थी, ये क्या हो गया, यहाँ पे सो गई मैं, ओ ये बाबा जी को गिराने आई थी। तो फिर जाते हैं वहाँ पे हरिदास ठाकुर के सामने, तो हरिदास ठाकुर तो लगे हुए हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो वही सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, शाम से रात, तो इनका हरि नाम नहीं बंद हो रहा है। तो बीच में शाम को फिर दोबारा से तुलसी में जल दे दी। कितने घंटे हो गए, 48 घंटे हरि नाम सुन रही है, वो भी एक महाभाव के मुख से, साधु संग सर्व शास्त्र को लव मात्र, साधु संग सर्व सिद्धि हो, लव तो क्या, यहाँ तो 48 घंटे का संग कर लिया लक्षा हीरा ने। तो जब अगले दिन आती है तो आगे सीधा हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर जाती है और बोलती है कि बाबा जी आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए, मैं कुछ और मोटिव लेके आई थी, इस राजा ने मुझे भेजा था, मगर मेरा हृदय निर्मल हो चुका है, इतना सुंदर आप हरि नाम ले रहे हैं, मेरे हृदय को द्रवित कर दिया उसने, तो आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिए। तो इस प्रकार तुलसी की सेवा करते करते और एक महाभाव के मुख से हरि नाम सुनते सुनते एक वैश्या भी परिवर्तित हो गई और भक्त बन गई। और आगे चल के बताते हैं कि वो दीक्षा ली उसने हरिदास ठाकुर से, अपने बाल मुंडा लिए
और यहाँ पे बैठकर हरिदास ठाकुर के समक्ष उनकी सेवा करती थी और नाम जप किया करती थी। श्री हरिदास ठाकुर की थी, ये नाम की महिमा है। पतित पावन है हरि नाम, कैसा भी कोई व्यक्ति हो, पापी धापी यत चीलो हरि नाम उधारी लो, उतार साक्षी जगाई मधाई। पापी धापी लोग क्या हो, कैसे जगाई मधाई जैसे क्यों ना हो, जो हरि नाम ले रहा है उसका उधार होना निश्चित है। तो दैट मीन्स हमारे लिए भी कुछ होप है ना। हम भी बहुत गए गुजरे हैं, पता नहीं कितने पाप करके बैठे हैं, किसी को बताते नहीं है, मगर उसके बावजूद अगर हम हरि नाम लेंगे तो निश्चित है कि हमारा भी उद्धार होगा, हमारा हृदय निर्मल होगा और हम भी भगवान के धाम वापस लौटेंगे। श्री हरिदास ठाकुर की, सिद्ध बकुल धाम की, श्री गुरंग महाप्रभु की, ताई गौर प्रेम आनंदे, पतित पावन युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना नहीं कि बस उनकी उनको उनका यश उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी, रामचंद्र खान इतना ईर्ष्या करने लग गया था हरिदास ठाकुर से कि उनको पीटने के लिए सैनिक भेज दिए। तो सैनिक क्या किया, हरिदास ठाकुर को पकड़ के ले गए और बाजार में ले गए, वहां पे कोड़ों से पीट रहे हैं, जोर जोर से कोड़े मार रहे हैं हरिदास ठाकुर को और बोलते हैं छोड़ दे, अभी भी मौका है तेरे पास, हरि नाम छोड़ दे हम तुम्हें छोड़ देंगे। हरिदास ठाकुर मार नहीं रहे हैं, जप करते जा रहे हैं, जोर जोर से हरि नाम ले रहे हैं और क्या बोलते हैं, खंड खंड होई दे जदि जाए प्राण, तब अमी वदना वदने ना छड़ी हरि नाम। कर दो मेरा देह खंड खंड कर दो, टुकड़े कर दो इस शरीर के, मगर हर टुकड़े से आवाज आएगी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तब अमी ना छाड़ी वो हरि नाम, तब भी हरि नाम नहीं छोड़ूंगा, मेरे शरीर के खंड खंड कर दो। फिर बाद में जाके हरिदास ठाकुर मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु से, वो बोलते हैं हरिदास क्या हुआ। तो हरिदास ठाकुर अपनी सारी व्यथा बताते हैं महाप्रभु को, महाप्रभु ऐसे सैनिक आए थे मुझे कोड़े मार रहे हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं हाँ दर्द तो मुझे भी बहुत हो रहा है। तो महाप्रभु उसी समय अपनी पीठ दिखाते हैं और सारे कोड़ों के निशान चैतन्य महाप्रभु को लगे हैं। महाप्रभु बोले मैं भक्त वत्सल हूँ, मेरे भक्त का बाल भी बाका नहीं हो सकता, उनके सारे कष्ट हैं मैं अपने ऊपर लेता हूँ। शिव गौरंग महाप्रभु की। तो क्या करना है, जो कृष्ण के नाम पे कृष्ण उसके काम पे, बस हमें कृष्ण के नाम पे लगे रहना है, बाकी सारे काम तो भगवान बनाएंगे हमारे। और जो अपने काम पे, कृष्ण अपने धाम पे, बोले आप अपने काम करते रहो मैं चला, मैं अपने काम में रहूंगा अपने धाम में रहूंगा, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं। तो बस हमें क्या करना है, अपनी एक शरणागति बढ़ानी है भगवान के सुंदर पावन नामों के प्रति। तो इस जगह पे हम प्रार्थना करें हरिदास ठाकुर से कि हे हरिदास ठाकुर, जैसी आपकी रुचि है नाम में तो उसका एक रंश मात्र हमें दे दीजिए, उस एक बिंदु हमें दे दीजिए, ताकि हम भी ध्यान पूर्वक हरि नाम ले पाएं, हरि नाम में अपनी रुचि बढ़ा पाएं और किसी भी कीमत पर हरि नाम को छोड़ें। श्री हरिदास ठाकुर की, गुरंग महाप्रभु की, हरे कृष्णा।